नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में। आइए आज बिहार के 15 बड़ी खबरों को जानते हैं। तो फटाफट से सभी कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आप बिहार के किस जिले में रहते हैं, और साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, और अपने तरफ से एक प्यारा लाइक इस वीडियो को जरूर कर दें। सबसे पहली खबर, पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी का इस्तीफा, भ्रष्टाचार के है आरोप। जी हां, बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया है। गुरुवार को ही 12 बजे उन्होंने पदभार ग्रहण किया था। उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। शपथ लेने से एक दिन पहले मेवालाल ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात भी की थी। इसके बाद उन्होंने सब कुछ ठीक होने की बात कही थी। कल पदभार संभालने के बाद वे दोबारा सीएम नीतीश कुमार से मिले थे, और इसके बाद दोपहर को इस्तीफा दे दिया। बताते चले कि मेवालाल चौधरी बिहार सरकार के तीसरे ऐसे मंत्री हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप में काम करने के तुरंत बाद इस्तीफा दिया है। इसके पहले जीतन राम मांझी और परिवहन मंत्री के रूप में कामकाज संभालने आरएन सिंह ने पदभार ग्रहण करने के बाद ही इस्तीफा दे दिया था। दूसरी ओर बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल के इस्तीफे पर तेजस्वी ने कसा नीतीश पर तंज, कहा असली गुनाहगार तो आप हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने पदभार ग्रहण करने के कुछ देर बाद ही अपने पद से इस्तीफा दे दिया। मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे हैं। आरजेडी पिछले दो दिनों से लगातार मेवालाल चौधरी के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर और उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत के मामले में मेवालाल की कथित संलिप्तता को लेकर जांच की मांग कर रही थी। मेवालाल ने इस्तीफा देने के बाद तेजस्वी ने ट्वीट करके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसा। उन्होंने कहा कि मैंने कहा था ना, आप थक चुके हैं, इसलिए आपकी सोचने समझने की शक्ति छिन्न हो चुकी है। जानबूझकर भ्रष्टाचारी को मंत्री बनाया, थू-थू के बावजूद पदभार ग्रहण कराया, घंटे देर बाद इस्तीफे का नाटक रचाया, असली गुनाहगार आप हैं, आपने मंत्री क्यों बनाया, आपका दोहरानापन और नौटंकी अब नहीं चलने दी जाएगी। अशोक चौधरी को मिला शिक्षा मंत्री का भी प्रभार, अब संभालेंगे तीन विभाग। जी हां, मेवालाल चौधरी के इस्तीफा देने के बाद राज्यपाल फागू चौहान ने उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया है। डॉक्टर मेवालाल चौधरी के इस्तीफे के बाद बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग के मंत्री अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अशोक चौधरी पर पहले से ही बिहार के भवन निर्माण और समाज कल्याण विभाग की जिम्मेदारी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सलाह पर राज्यपाल ने अगले आदेश तक अशोक चौधरी को शिक्षा मंत्री का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अशोक चौधरी जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं, वह पहले कांग्रेस में भी रह चुके हैं। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर तोड़ी चुप्पी, 50 करोड़ की मनहानि का मुकदमा करेंगे। जी हां, बिहार के नई सरकार में मंत्री का पद संभालते ही विवादों में घिरे शिक्षा मंत्री डॉक्टर मेवालाल चौधरी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया है। कहा कि मेरे ऊपर कोई चार्जशीट नहीं है। उन्होंने कहा कि पत्नी की मौत के लिए मुझे जिम्मेदार बताने वालों पर मनहानि का मुकदमा करेंगे। जिस IPS अधिकारी ने यह आरोप लगाए हैं उनके खिलाफ 50 करोड़ रुपए का मनहानि का केस कर रहा हूं। मेरे खिलाफ कोई तथ्य नहीं है जिसकी जांच की बात हो। बता दें कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार मेवालाल पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों को उठा रहे हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा हत्या और भ्रष्टाचार के अनेक मामलों में IPC की 409, 420, 467, 468, 471 और 120 धारा के तहत आरोपी मेवालाल चौधरी को शिक्षा मंत्री बनाने से बिहार वासियों को क्या शिक्षा मिलती है। राज्य में आज से चलेगी 7 इंटरसिटी और 5 मेमू ट्रेनें, आइए जानते हैं विस्तार से। रेलवे ने बिहार में छठ पूजा पर यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए पटना से सहरसा जयनगर समेत 7 जगहों के लिए कुल 7 इंटरसिटी ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह ट्रेन 20 नवंबर से 30 नवंबर के बीच चलाई जाएगी। यह ट्रेन पूरी तरह से आरक्षित होगी, बिना रिजर्वेशन के इसमें कोई भी यात्रा नहीं कर सकेगा। वहीं समस्तीपुर रेलखंड के दरभंगा से पटना और सहरसा से पटना के बीच मेमू पैसेंजर ट्रेनों का परिचालन 30 नवंबर तक प्रतिदिन होगा। रेलवे ने मेमू ट्रेनों की समय सारणी जारी कर दी है। यात्री अनारक्षित काउंटर या मोबाइल ऐप के जरिए टिकट लेकर इन ट्रेनों में यात्रा कर सकते हैं। रेल मंडल के दरभंगा, जयनगर, रक्सौल और मुजफ्फरपुर से हावड़ा, मुंबई, अहमदाबाद और उधना के लिए छठ पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा।
बिहार में सरकार बनते ही 5 नए कॉलेज के निर्माण का कार्य तेज। जी हां, बिहार में कोरोना महामारी और बिहार विधानसभा आम चुनाव को लेकर लगे आदर्श आचार संहिता के कारण राज्य में नए मेडिकल कॉलेज अस्पतालों के निर्माण की प्रक्रिया धीमी पड़ गई थी, लेकिन नई सरकार के गठन के साथ ही इनमें तेजी आ गई है। इनमें राज्य के सीतामढ़ी, झंझारपुर, पूर्णिया, छपरा और समस्तीपुर में 5 मेडिकल कॉलेज अस्पताल शामिल है। इनका निर्माण कार्य अब तेज कर दिया गया है, जल्द ही बिहार वासियों को इनका लाभ मिलेगा। बिहार सरकार ने 72 हाई स्कूलों के शिक्षक की सैलरी में किया इजाफा, जाने कब से और कितना होगा फायदा। बिहार के 72 गैर सरकारी मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों को 1 अप्रैल 2020 को देय पुनरीक्षित मूल वेतन में 15% की वृद्धि की गई है। साथ ही इस कोटि के स्कूल में कार्यरत शिक्षकों को 1 अक्टूबर 2020 के प्रभाव से ही EPF स्कीम से आच्छादित किया जाएगा। शिक्षा विभाग ने बुधवार को इसको लेकर संकल्प जारी किया है। सैद्धांतिक और नीतिगत तौर पर पहले ही इसे मंजूरी दे दी गई है। इसका लाभ 27 मई 2011 के बाद नियुक्त एवं कार्यरत माध्यमिक उच्च माध्यमिक शिक्षकों को मिलेगा। अगली बड़ी खबर, CSBC ने बिहार पुलिस और होमगार्ड में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा की नई तिथि जारी की। जी हां, केंद्रीय चयन पर्षद ने बिहार पुलिस में कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती परीक्षा की नई तिथि की घोषणा कर दी है। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक अब बिहार कांस्टेबल ड्राइवर भर्ती की लिखित परीक्षा 3 जनवरी 2021 को आयोजित होगी। पहले परीक्षा का आयोजन 14 अक्टूबर को होना था। होमगार्ड में सिपाही के 551 पदों पर भर्ती की परीक्षा तिथि भी घोषणा कर दी गई है। यह परीक्षा 24 जनवरी को आयोजित होगी। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर परीक्षा केंद्र उपलब्ध नहीं होने के चलते इन्हें स्थगित कर दिया गया था। एडमिट कार्ड परीक्षा के 1 सप्ताह पहले जारी किए जाएंगे, जिसे csbc.nic.in से डाउनलोड किया जा सकेगा। बड़ी खबर, बेरोजगारों को नीतीश कुमार दे सकते हैं नौकरी, सभी विभागों से संविदा कर्मियों की मांगी गई सूची। जी हां, बिहार सरकार ने विभिन्न महकमों में कार्यरत संविदा कर्मियों की सूची मांगी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस आशय का एक पत्र भी अपर मुख्य सचिव, विभागीय प्रधान सचिव एवं सचिव को भेजा है। पत्र में सभी संवर्ग में कार्यरत संविदा कर्मियों की संख्या, स्वीकृत पद व खाली पदों की संख्या की जानकारी देने को कहा गया है। इसमें रिटायर्ड लोगों को समायोजन किए जाने की संख्या नहीं देने को कहा गया है। सरकार की इस पहल को बिहार विधानसभा चुनाव में सबसे अहम मुद्दों में से एक बेरोजगारी से जोड़कर देखा जा रहा है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार ने रोजगार के मुद्दे पर कवायद शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि विभागवार पदों को भरने के लिए जल्द ही विज्ञापन जारी किया जा सकता है। चलिए अब बात करते हैं राज्य में कोरोना अपडेट को लेकर। तो बिहार में कोरोना संक्रमण की रफ्तार अब धीमी हो गई है। जी हां, राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 794 लोग पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राज्य में कोरोना संक्रमित की संख्या बढ़कर 229,474 तक पहुंच गई है। बिहार में फिलहाल 6,461 कोरोना के एक्टिव मरीज है। वहीं राजधानी पटना में कोरोना का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। राजधानी पटना में सबसे ज्यादा 245 नए मामले सामने आए हैं। आपको बता दें, पिछले 24 घंटों के भीतर कोरोना से 7 लोगों की जान चली गई है। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों का कुल आंकड़ा 1201 तक पहुँच गया है। बिहार के लोगों के लिए खुशी की बात यह है कि महज 24 घंटों के भीतर 601 कोरोना मरीज स्वस्थ हुए हैं। अगली बड़ी खबर, कोरोना के कारण विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला रद्द, मंत्री राम सूरत राय ने दिए आदेश। जी हां, कोरोना का असर इस बार कई पर्व त्योहारों और आयोजनों पर देखने को मिल रहा है। इस कड़ी से सोनपुर मेला के लगने पर भी सरकार ने रोक लगा दी है। बिहार में गठित नई सरकार के भूमि सुधार एवं राजस्व मंत्री राम सूरत राय ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस साल कोरोना को लेकर जैसे श्रावणी मेला के साथ गया का प्रतिपक्ष मेला नहीं लगा, वैसे ही विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र का सोनपुर मेला भी नहीं लगेगा। साथ ही मंत्री ने कहा कि इसकी भरपाई अगले साल के मेले में की जाएगी और अगले साल खूब धूमधाम के साथ इस मेले का आयोजन भी किया जाएगा। आपको बता दें कि एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला के नाम से प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र में कई संप्रदायों के लोगों की आस्था जुड़ी है। इस मेले के बारे में बताया जाता है कि यहाँ मौर्य काल से लेकर
अंग्रेज के शासन काल तक राजा महाराजा हाथी घोड़े खरीदने आते थे। आज भी अलग अलग राज्यों से व्यापारी अपने पशु को खरीद बिक्री के लिए इस मेले में एकत्रित होते हैं। नई सरकार बनते ही बिहार के लोगों को मिला बड़ा तोहफा, एम्स दीघा एलिवेटेड रोड का परिचालन शुरू। जी हां, बिहार में नई सरकार बनते ही लोगों को दो बड़ा तोहफा मिला है। एक और जहां बीती रात से ट्रायल रन के लिए एम्स दीघा एलिवेटेड रोड को खोल दिया गया है, वहीं कोयलवर पुल पर भी आज से ट्रायल रन शुरू हो जाएगा। दोनों प्रोजेक्ट लोगों को बड़ा तोहफा दिया है। इस बीच खबर है कि इसके आर ब्लॉक दीघा फोर लेन सड़क भी जल्द चालू हो जाएगी। वहीं पटना जंक्शन रोड से एग्जीबिशन रोड जाने वाले लिंक फ्लाईओवर को आवागमन के लिए खोल दिया गया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतनराम मांझी ने ली प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ। 23 और 24 नवंबर तक के लिए रहेंगे पद पर। राजभवन में हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली। राज्यपाल फागू चौहान ने उन्हें शपथ दिलाई। जीतनराम मांझी राजभवन से शपथ ग्रहण कर विधानसभा की ओर निकल गए। पूर्व मुख्यमंत्री जीतनराम मांझी ने 23 और 24 नवंबर तक के लिए प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ ली है। इसके बाद स्पीकर पद का चुनाव हो जाएगा और वे प्रोटेम स्पीकर पद से हट जाएंगे। सुशील मोदी ने तेजस्वी से मांगा इस्तीफा, बोले घोटाले में है चार्ज शीट। मेवालाल चौधरी के शिक्षा मंत्री पद से इस्तीफे के बाद एनडीए खेमे में नेताओं का तेजस्वी और लालू परिवार पर निशाना साधने का सिलसिला जारी है। पहले जेडीयू नेता ने तेजस्वी से ट्वीट करके इस्तीफे की मांग की और अब बीजेपी नेता सुशील मोदी ने भी ट्वीट करके तेजस्वी से इस्तीफा मांगा है। सुशील मोदी ने ट्वीट किया, तेजस्वी यादव को भी इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि वो भ्रष्टाचार से जुड़े IRCTC घोटाले में न केवल चार सीटेड है बल्कि जमानत पर है। कोविड के कारण ट्रायल रुका हुआ था, किसी भी दिन ट्रायल शुरू हो सकता है। वहीं पूर्व सीएम जीतनराम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा ने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी है। हम प्रवक्ता दानिश रिजवान ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी और लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव से इस्तीफे की मांग की है। उन्होंने मेवालाल चौधरी के इस्तीफे का स्वागत करते हुए कहा कि शिक्षा मंत्री के इस्तीफे के बाद अब एक बार फिर से यह स्पष्ट हो गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भ्रष्टाचार से किसी तरीके का समझौता नहीं कर सकते हैं। और अंत की सबसे बड़ी खबर, बोले अशोक चौधरी, हम तेजस्वी नहीं है कि झूठा कमिटमेंट कर दे, बिहार की युवाओं को हम देंगे सरकारी नौकरी। बिहार के नए मंत्रियों में विभागों का बंटवारा हो चुका है जिसके बाद सभी मंत्रियों ने अपना कार्यभार भी संभाल लिया है। इसी कड़ी में कल नव नियुक्त भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी ने बिहार के युवाओं को नौकरी देने की बात की है। साथ ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को झूठा कमिटमेंट करने वाला बताया है। अशोक चौधरी ने कहा कि एक व्यक्ति के लिए इतना सास विभाग देखना संभव नहीं है, हम संगठन के आदमी हैं, उसी पर ज़्यादा फोकस करते हैं, इतने विभाग लेकर संगठन देखना मुश्किल है। उन्होंने आगे कहा कि भवन विभाग पहले भी हम देख चुके हैं। वहीं रोजगार को लेकर उन्होंने कहा कि हम तेजस्वी यादव नहीं है कि झूठ झूठ कमिटमेंट कर। साथ ही उन्होंने कहा कि 3-4 महीने में संभव नहीं है लेकिन 6-8 महीने में रोजगार के अवसर हम लाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार का चेहरा भरोसे का चेहरा है, नीतीश कुमार ने इस जनता को कमिट किया है। तो इसी के साथ ही आज के समाचार में इतना ही। डेली बिहार की बड़ी खबरों को जानने के लिए आप बिहारी मीडिया को जरूर सब्सक्राइब